नमस्ते स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ जेवी एंड डॉक्टर विजेता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस। स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट फिलोसोफी। फिलोसोफी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और इसका क्या फीचर है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इस अबाउट टुडे डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं फिलोसोफी। द वर्ड फिलोसोफी डाइवर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिला लव एंड सोफिया विजडम। इट मीन्स द लव ऑफ विजडम। Pythagoras was said to have been the first man to call himself a philosopher means Pythagoras है, वो एक फर्स्ट philosopher था। अब है इसकी definition, philosophy it is the study of general and fundamental such as those continuity, value, knowledge, रिलैक्सेशन, माइंड एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। मीन्स फिलोसोफी में अपन फंडामेंटल स्टडीज़ करते हैं, जैसे नॉलेज गेन होता है, रिलैक्सेशन मिलता है माइंड को, एकेडमिक डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है। तो इट मीन्स एक जो संपूर्ण विकास जिसको बोला जाता है, इंसान का संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है, तो इट मीन्स फिलोसोफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग। राइट डाउन इज फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। नेचर ऑफ फिलोसोफी एंड फीचर्स। द फिलोसोफी इज प्रोसेस ऑफ रिलेटिव ओन क्रिस्टिंग आवर डुप्लाई हेल्थ कंजप्शन एंड बिलीव। सेकेंड है, इट इज द सेट ऑफ व्यूज और लाइव अबाउट ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स विच आर ओपन held unseriously, unconsciously. It is a relation attempt to look at the world as a whole. It is the logical nucleus of language and clarification of the meaning of words, concepts. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसोफी। द स्टडी ऑफ फिलोसोफी थिंक केयरफुली अबाउट इम्पोर्टेंस इश्यूज। द फोकस इन द स्टडी ऑफ फिलोसोफी इज टू लर्न नॉट व्हाट टू बिलीव बट हाउ टू थिंक। इट इज़ योर एबिलिटी टू हेड एंड एंटीकुलेट अरेंजमेंट ऑफ योर ओवन फिलोसोफी डेवलप ऑन योर एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क इन डिपेंडेंटली। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा बिटिया हो। Thank you.